हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहास किचन। फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में मैंने एक रिक्वेस्टेड रेसिपी बनाई है जो कि रशियन सैलेड बहुत टेस्टी और बहुत रिफ्रेशिंग सैलेड है। इसे बनाना बहुत इजी है, कुछ स्पेशल सी सब्जियों के साथ ये बनती है। तो वो कौन सी सब्जियां हैं जिनसे रशियन सैलेड बनेगा? इसमें फ्रूट्स का भी यूज़ किया जाता है, पाइनएप्पल फ्रूट। अगर आप भी कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए रेसिपी बनाऊंगी। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रशियन सैलेड बनता है। इसे फ्रिज में ठंडा करके खाया जाता है, तो बहुत सिंपल रेसिपी है। चलिए फिर देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनेगी। रशियन सैलेड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आलू, गाजर, फ्रोज़न मटर और बीन्स। ये चारों सब्जियों में से आप कोई भी सब्जी स्किप नहीं कर सकते। ताज़े बीन्स का सिलेक्शन आपको करना है, छोटे साइज़ के फ्रेश बीन्स लेंगे और हो सके तो इसमें पाइनएप्पल भी ले लें। मेरे पास पाइनएप्पल नहीं था, लेकिन पाइनएप्पल भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम अपनी सब्जियों को काट लेंगे। तो सब्जियों की चॉपिंग का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। तो पहले गाजर को दो हिस्सों में काट लेंगे, उसके बाद जो दो हिस्से हमने किए उसमें से गाजर के दो हिस्से कर देंगे जैसे मैंने किए, फिर इवन स्लाइस काट के लेने हैं। तो बेसिकली सब्जियाँ जो भी आप काट रहे हैं, आलू और गाजर, इन दोनों का साइज़ आपको सेम रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। तो आप चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से भी काट सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए दो हिस्से मैंने इसके किए। अब इनको एक साथ भी जॉइंट करके काट सकते हैं चॉपिंग बोर्ड पे या हाथ से। फ्रेंड्स, इस सैलेड में फ्रूट्स का भी यूज़ होता है। अगर आपके घर में पाइनएप्पल है या आपके आसपास पाइनएप्पल है तो आप वो पाइनएप्पल भी इसमें कच्चा ही डालें काट कर। गाजर को हमने काट लिया है, सारे गाजर के पीसेस बिल्कुल इवन कटे हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। आप चॉपिंग बोर्ड पे भी इसे काट सकते हैं या फिर हाथ से काट सकते हैं जैसे कि मैंने आपको काट के दिखाया। अब आलू को किस तरह से काटना है आप ध्यान देकर देखिएगा। एक स्लाइस किया मैंने आलू में से और ये दूसरा है। टोटल मैंने इस आलू में से तीन स्लाइस किए हैं। अगर आपका आलू मोटा है या साइज़ में बड़ा है तो आप उसके चार या पाँच स्लाइस कर सकते हैं। इसको भी बिल्कुल गाजर की तरह हमें काटना है। यहाँ पर मैंने आलू के स्लाइस काट लिए हैं, अब इनको कुछ इस तरह से काट लेंगे, इवन रखने हैं स्लाइस। मेन बात यही होती है रशियन सैलेड की कि इसमें जो स्लाइस होते हैं सब्जियों के बिल्कुल इवन आपको रखने हैं, बड़ा छोटा नहीं करना है, क्योंकि ये बॉइलिंग प्रोसेस से बनता है। अगर आप इसे बॉईल करेंगे और आपके साइज़ छोटे बड़े हैं तो कोई जल्दी बॉईल हो जाएगा और कोई नहीं होगा, इस वजह से आपकी रशियन सैलेड अच्छी नहीं बनेगी। तो इसके लिए सब्जियों का जो चॉपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरह से काट लेंगे। देखिए मैं आपको एक और आलू दिखाती हूँ काट के। एक स्लाइस किया मैंने, दो, और ये तीसरा स्लाइस है। अब हम इसको एक स्लाइस इधर से काटा एक बार और, तो दो बार दूसरी तरफ से काटना है। सारे आलू के स्लाइस को जॉइंट करके हाथ में पकड़ के रखना है और फिर नाइफ से काटना है। इस तरह से क्या होगा कि आपके सारे स्लाइस इवन आएंगे। तो बेसिकली हमें गाजर और आलू को बिल्कुल इवन स्लाइस में रखना है, स्लाइस को बड़ा छोटा नहीं करना है। अब यहाँ पर हम बीन्स भी काट लेंगे, तो बीन्स को आप एक साथ इकट्ठा करके भी काट सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल बारीक बीन्स आपको काट के लेनी है, बिल्कुल बारीक, मोटे बीन्स नहीं काटने हैं, फ्रेश बीन्स का यूज़ करेंगे इसके लिए। ये फ्रेंच बीन्स हैं, देखिए कुछ इस तरह से चॉपिंग करनी है बीन्स की। तो यहाँ पर सारी बीन्स मैंने काट ली है, हमारी मटर भी तैयार है, फ्रोज़न मटर है, फ्रेश मटर का यूज़ भी आप कर सकते हैं, और आलू और गाजर भी तैयार हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन या कढ़ाई आप ले सकते हैं, उसमें पानी डालेंगे, पानी को अच्छे से गर्म करेंगे। पानी में कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड करेंगे लाइक नमक एंड ऑल, सीधा दोनों सब्जियाँ गाजर और आलू इसमें डाल देंगे और दो से ढाई मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे अपनी सब्जियों को। तो सब्जियों को आपको हाई फ्लेम पर ही पकाना है, देखिए ऐसे चेक करना है आपको। दो से ढाई मिनट के बाद अगर आपकी टूथपिक अच्छे से आलू और गाजर के अंदर जा रही है, इट मींस वो तैयार है, ओवर बॉइलिंग नहीं करना है। उसके बाद उसी पानी में हम मटर और फ्रेंच बीन्स भी डाल देंगे, इनको आपको दो मिनट के लिए उबालना है। दो मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना उबालें, और गाजर और आलू को ढाई मिनट में चेक कर लें आप टूथपिक से। अगर टूथपिक इजीली अंदर जा रहा है इट मींस वो तैयार है, ओवर बॉइलिंग नहीं करनी है सब्जियों की बिल्कुल भी। सब्जियों को पानी से निकालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए एक छलनी में डालकर रख दें जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। आपको वेज मेयोनीज लेना है, आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं। 3 चम्मच मैं डाल दूंगी यहाँ पर, आप चाहे तो 4 चम्मच डाल दें लेकिन उससे ज़्यादा ना डालें, अदरवाइज़ आपकी सब्जियों में मेयोनीज का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 1/2 टीस्पून मैंने डाला इसमें काली मिर्च पाउडर और चुटकी भर के नमक डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी सब्जियाँ कोट हो गई हैं मेयोनीज में। इसके बाद इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो यहीं पर इसमें पाइनएप्पल काट के डाल सकते हैं। रशियन सैलेड में आप चाहें तो पाइनएप्पल फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल इसमें डाला जाता है। अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल आलू और गाजर की तरह काट के डाल दीजिए, उसको उबालना नहीं होता, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फ्रूट्स इसमें ना डालें और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। आई होप कि आपको रशियन सैलेड की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।